शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में लेडी डॉक्टर से बदसलूकी का मामला। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर शहर के बड़े अस्पतालों के आउटडोर्स में हड़ताल। सर्विसेज जनरल, जिनाह, म्यू और चिल्ड्रन अस्पताल के आउटडोर बंद हैं। दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे बिलाल चौधरी से, जो कि जनरल अस्पताल, जबकि हसाम अजमल जो कि सर्विस अस्पताल मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे बिलाल चौधरी का। बिलाल, पहले तो इस वाक्य के हवाले से थोड़ा ब्रीफ हसाम अजमल से बात करेंगे। हसाम, बताइएगा, पहले तो ब्रीफ कीजिएगा इस वाक्य के हवाले से कि क्या वाक्य था, और बताइएगा कि हड़ताल कितने दिन तक जारी रहेगी। और रात को 3 बजे के करीब रहीम यार खान शेख जैद अस्पताल में पेश आया, जिसमें एक फ़ीमेल डॉक्टर के साथ वहाँ पर स्वीपर ने जो है वो मुबैना जो है वो जिस्मानी तौर पर अटैच होने की कोशिश की, और जिसके खिलाफ पूरे पंजाब में जो है वो इनकी कंपेन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो है उस वक्त फैल चुकी है, और लाहौर समेत पूरे पंजाब जो है वो इस वक्त OPDs बंद किए जा रहे हैं तमाम अस्पतालों में। और इस वक्त मैं सर्विसज हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, और सर्विसज हॉस्पिटल समेत लाहौर में जनरल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल और लाहौर के जितने भी इस वक्त हॉस्पिटल्स हैं उनमें OPDs को बंद करने का काम जारी है, और यहाँ पर भी OPD पे ताला जो है वो लगा दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं और हमारे साथ यंग डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, और उन दोनों की राय जो है वो जानी जा सकती है। मैम, आप लोग बताइएगा कि जो आप लोगों की हड़ताल है वो कितने रोज़ तक जारी रहेगी, और आपकी हुकूमत से क्या जो है वो डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो ये शेख जैद में वाकया हुआ है उसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ मैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है, ऐसे बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं। होता यह है कि कुछ वाकयात सामने आ जाते हैं और कुछ हिडन रहते हैं। तो आप देख लें, अगर मैं इनको रिपोर्ट करना शुरू करें तो ये बहुत एक अनगिनत वाकयात की लिस्ट बन जाती है, जिसके लिए सिस्टम कुछ भी नहीं कर रहा। हम लोग यहाँ 30 घंटे 40 घंटे काम कर रहे होते हैं, सिर्फ काम में ही इतने इन्वॉल्व होते हैं, इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। ये सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि ये सिक्योरिटी भी हमने ही करनी है, तो बाकी फिर हमारा काम कौन करेगा, ये हमारा काम नहीं है। जी, इस वक्त डॉक्टर्स की जो डिमांड है वो ये है हुकूमत पंजाब से कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और महकमा सेहत की जो वज़ीर हैं यास्मीन राशिद साहिबा उनकी तरफ से नोटिस लिया जा चुका है, रहीम यार खान में जो शेख जैद हॉस्पिटल है उसके MS को और प्रिंसिपल को मुअत्तल किया जा चुका है। और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत बाकायदा जो है वो कानून पास करे, बिल पास करे, जिसमें डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के हवाले से जो है वो बिल हो, और उस पर तब तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी जब तक जो है वो इनका बिल सामने नहीं आ जाता हुकूमत की तरफ से। जी,